For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मरहम की जानिब से हम आपके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस लेके आए हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद हैं बल्कि पाकिस्तान से बाहर की भी आपके लिए ट्रीटमेंट ऑफर्स हैं। हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है बाहर जाने की, सबसे पहले ये वाज़े कर दूँ। कुछ ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं खसूसन लिवर ट्रांसप्लांट या बैरियाट्रिक सर्जरी जो मोटापा कम करने के लिए होती है, या लेज़र आई सर्जरी है, ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन इसकी या तो कैपेसिटी बहुत महदूद है, हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं कि बहुत सारों का इलाज कर सकें, और इसी के साथ साथ ये चीज़ भी है कि हमारा फिर उसमें तजुर्बा जो है वो महदूद है। तो इसको अबूर करने के लिए हम आपके लिए ऑप्शंस ऐसी लाए हैं जिसके लिए आज तक तो लोग इंडिया का रुख करते थे और वहाँ जाके अपना इलाज करवाते थे, लेकिन जो अब हालात हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसमें ये साजगार नहीं है कि हम अब भी इंडिया की तरफ जो है वो लोगों को जाता देखें, या वो किसी अच्छी सोच के साथ या एक अच्छे इरादे के साथ वहाँ पर वहाँ का रुख करें। तो हमारी कोशिश है कि हम एक उसका मुतबादल अब पेश करें, और वो मुतबादल हमारे लिए है तुर्की, और तुर्की के साथ हमारे बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं। ये ताल्लुकात जो हैं ये हाल में सिर्फ नहीं कायम हुए बल्कि इनका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, बहुत अरसे से पाकिस्तान के क़याम से पहले से हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए तुर्कियों के दिल में बहुत इज़्ज़त है, और वो आज भी इसी तरह से हमें देखते हैं और बड़े अच्छे तरीके से हमें वहाँ वेलकम भी करते हैं। अब तुर्की का हम रुख क्यों करेंगे और वहाँ पे ऐसी कौन सी ख़ास बात है उनके अस्पतालों में, तो आपको एक चीज़ वाज़े करूँ कि दुनिया में जो अस्पताल हैं उन सब के स्टैंडर्ड्स और उनका जो मेयार है उसको उसकी पैमाइश करने को, उसको कायम करने को और उसको बरकरार रखने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ सर्टिफिकेशन होती है, जिसमें एक चीज़ है जिसका नाम है जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल। और तुर्की एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा अस्पताल जो हैं वो जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल ने सर्टिफाई किए हैं। ये 60 से ज़्यादा अस्पताल हैं। याद रहे कि एक अस्पताल की सर्टिफिकेशन पे तकरीबन $2.5 लाख का ख़र्चा आता है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, इस चीज़ का तसव्वुर कर सकते हैं कि कितनी डिटेल के अंदर, किस तफसील में ये सर्टिफिकेशन होती है जिस पे फिर हम एतमाद करते हुए इन अस्पतालों की तरफ जा सकते हैं। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है, और साथ साथ मैं इस मौके पे ये भी कह दूं कि वो लोग जो कि आज तक बड़े आराम से तो अमेरिका का और बरतानिया का वीज़ा हासिल कर सकते थे, अब उसमें भी दिक्कत काफ़ी लाहक है, और उसकी वजह से ज़रूरी है कि हम एक और मुतबादल वो भी देखें कि अमेरिका और बरतानिया जाने वाले और जर्मनी जाने वाले लोग जो हैं वो भी तुर्की का रास्ता देखें, इस ख्याल से कि वहाँ पे इलाज का मेयार वही है जो कि अमेरिका में दस्तयाब है या बरतानिया में दस्तयाब है।